अब जैसे कि 10 मई को कर्नाटक के अंदर वोटिंग हो चुकी है, अब जो चुनाव आयोग है वो क्या करता है, किसी भी उम्मीदवार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा उसकी सीमा तय करता है। तो वो सीमा अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, हम इस वीडियो में वही जानेंगे। इसके अंदर भी एक होता है जैसे कि स्टार प्रचारक होता है, एक होता है उम्मीदवार। तो उम्मीदवार की जो खर्च करने की जो सीमा है वो कितनी है, और स्टार प्रचारक की जो खर्च करने की जो सीमा है वह कितनी है, चलिए देखते हैं। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम होता है चुनाव करवाना, समय पर चुनाव करवाना और गाइडलाइंस बनाना, आचार संहिता का निर्माण करना, ताकि जो चुनावी पार्टियां हैं वो किसी भी धर्म के आधार पर या किसी वर्ग के आधार पर वोट ना मांग सके। लेकिन हमने देखा कर्नाटक चुनाव के अंदर किसी सभी चीज़ों की धज्जियां उड़ाई गई। निर्वाचन आयोग ने, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है और कितने मेंबर उसके अंदर होते हैं, टोटल कितने मेंबर होते हैं, और एक अध्यक्ष और कितने मेंबर होते हैं अध्यक्ष के अलावा। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च सीमा बढ़ोतरी की है। अब कितनी कर दी है वो देख लेते हैं। कारण, मतदाताओं की बढ़ती जनसंख्या और वृद्धि के लिए लागत, मुद्रास्फीति सूचकांक आदि। जैसे जैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे खर्च में वृद्धि होती जाती है। बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए, लोकसभा संसद, ठीक है, संसदीय जब चुनाव होते हैं उसकी बात हो रही है, तो बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए खर्च की सीमा को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए किया गया है। मतलब अगर लोकसभा सीट के लिए एक उम्मीदवार खड़ा होता है तो जहां पहले उसकी जो खर्च की जो सीमा थी, चुनाव खर्च की, वो 70 लाख थी, अब उसको कितना बढ़ा दिया गया है, तो उसको बढ़ा दिया गया 25 लाख। कितना बढ़ा दिया, 25 लाख बढ़ाकर कितना कर दिया, 95 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे राज्यों में इस सीमा को 54 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, 75 लाख रुपए किया गया है। कितना, 75 लाख रुपए। जैसे कि गोवा है, अब गोवा के अंदर 54 से 75 कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 70 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 95 लाख। ये था लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन विधानसभा सीटों के लिए बड़े राज्यों में वह सीमा खर्च 28 लाख से बढ़ाकर कितना, 40 लाख, यानी कि बढ़ोतरी कितने की, 12 लाख रुपए की। और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना, 28 लाख, यानी कि बढ़ोतरी 8 लाख रुपए की। कितनी, 8 लाख रुपयों की। तो यह है सीमा, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वर्तमान के अंदर चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा जो उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की जो सीमा है उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है और कितना अंतर है पहले की और अब की में, ये दोनों पूछा जा सकता है। तो मैंने अंतर भी बता दिया है और कितनी बढ़ोतरी है, पहले कितनी थी अब कितनी है। तो अंतर आप इतना मैच तो आपको आता ही होगा क्योंकि सीसेट का एग्जाम भी होता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे अप्रिशिएट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।